आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अपने बारे में। मैं मेरे ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा। मेरे ब्लॉग पे जो भी पोस्ट किया है वो सब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक के रिलेटेड है। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। ये मेरा ब्लॉग है। आज मैं बताने जा रहा हूँ वो ITC के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज के दिन ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के बारे में किया है, तो वो मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो ये है आपके सामने ITC इंडिया। ये जो आपके सामने चार्ट है वो डेली का चार्ट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी लाइन ड्रॉ किया है, तो आप देख सकते हो अभी ये स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू काफी क्लियर है, तो आपको पता मतलब देख सकते हो कि कैसा है। अब लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब वीडियो पूरा देखिए। तो अभी ये जो है आपके सामने वो डेली चार्ट है। तो ठीक, अभी ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ लाइन ड्रॉ किया है ये बेस का, ये डेली चार्ट में है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 है, और एक कल के दिन ब्रेकडाउन दिया था, बट आज वो पुल बैक हो गया है। तो देखते हैं कैसे पुल बैक होता है आने वाले दिनों में। तो आप ये अभी ये जो है जो कल का लो था वो था कल का लो 230.50 और आज का लो है 231.40 और आज का क्लोजिंग है 237.30। आज का डेट है 29 जनवरी। तो ये डेली का चार्ट है। ये जो दिख रहा है आपको ये जो ये लाइन है ना, ये वाला लाइन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है डेली में। ये ब्लू वाला अभी शॉर्ट टर्म सपोर्ट की तरफ है। अगर ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट ब्रेक किया तो मैं आपको वीकली की तरफ लेके चलता हूं। तरफ बेर कीजिए, थोड़ा स्लो है। हाँ, ये देखो ये शॉर्ट टर्म आपको जो पिंक लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये है आज के डेट में 222 रूपये। तो आप 220 रूपये से लेके 210 से 15 के बीच में आप पकड़ सकते हो। और ये वीकली है तो ये वीकली क्लोजिंग होना चाहिए 210 से 215, तभी ये ब्रेकडाउन देगा। और आप ये देखिए, ये अभी तक कैंडल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी तक ये वीकली क्लोज नहीं हुआ है, अभी 2 दिन बाकी है। तो ये 2 दिन में काफी हलचल हो सकता है, देखे कैसा होता है, ऊपर की तरफ होता है या नीचे की तरफ होता है। तभी तो ये कैंडल फॉर्म नहीं हुआ है, लास्ट वाला कैंडल मतलब ये जो है आज की तरफ। तो अभी आने वाले दिनों में ये आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वीकली बेसिस पे। ये वाला है रेजिस्टेंस आने वाले दिनों में, और यह है वीकली। और ये है आज के डेट में लेवल पकड़ी 243 के आसपास। तो जब तक 243 के क्लोजिंग 243 से लेके 245-46 के बीच में वीकली क्लोजिंग नहीं दिया, तब तक अपमूव होने के चांसेस काफी कम है। और नीचे की तरफ इसके सपोर्ट है ये पिंक कलर का लाइन, ये जो है 222 है, पर आप 5-10 पॉइंट आगे पीछे पकड़ी है, मतलब 215 पकड़े सकते हो। ये वीकली है, तो ये वीकली सपोर्ट है और ये वीकली रेजिस्टेंस आपको मैं बताया हूं। और ये आप ये देखिए, ये एक लाइन है यहाँ पे, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, ये दिख रहा है आपको ये वाला लाइन जो आगे जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। इसको मैं अभी आपको मंथली कर रहा हूं, तो अब देखिए एक ऐसा ब्रेकडाउन दिया है मंथली में। एक मेरा मैं मंथली क्लिक किया हूं, ये देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का मंथली ब्रेकडाउन है, ये आपको दिख रहा है यहां से लेके पूरा, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकडाउन दिया। अब अगर ये ब्रेक किया 245 का लेवल जो मैं आपको पहले वीकली हुआ था वो ब्रेक किया, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको यहां पे मिलेगा जो है ना, ये जो आज के रेट में 300 के आसपास है। बट ये काफी स्लो मूविंग स्टॉक है, तो अब देखिए वो हिसाब से कैसा है। तो आप याद रखिए नीचे का सपोर्ट वीकली लेवल पे, वीकली लेवल का रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो अभी तक जो 300 का लेवल में आपको बताया हूं
वो मंथली चार्ट पे दिख रहा है, वो अभी इतना श्योर नहीं है क्योंकि ये काफी स्लो है स्टॉक। तो जब तक वो ब्रेकआउट डे के आगे का मूवमेंट कैसा है क्या है ये आने वाले दिनों के बाद ही बताऊंगा। तो अभी तो फिलहाल आपको मैं शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस और वीकली सपोर्ट और डेली सपोर्ट बता दिया हूँ। थैंक यू।